नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है उपायों पर, एपिसोड नंबर 9 के साथ। पहले हम सूर्य, चंद्र, मंगल इन तीन ग्रहों की पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध की। इस एपिसोड में हम बुध के 30 से ज़्यादा अधिक उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, 30 से अधिक उपायों की चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुध के देवता हैं गणेश जी। बुध का वार बुधवार, बुध का समय साय 4 बजे से 6 बजे तक, और बुध का रत्न है पन्ना। बुध की जड़ विधारा की जड़, एक प्रकार का वृक्ष होता है विधारा, प्रयोग करते हैं बुध की जड़ को उपायों में। स्पेशली जब हम यंत्र की बात करते हैं तो यंत्र बनाया जाता है विधारा की जड़ से, बुध यंत्र। बुध की धातु कांसा, बुध का रत्न पन्ना, बुध के पदार्थ हैं पालक, हरी सब्जियां, साबुत हरी मूंग। हरी सब्जियां भी बुध के पदार्थों में आती हैं, स्पेशली अगर पालक की बात करते हैं तो पालक पर्टिकुलर बुध को रिप्रेजेंट करता है। बुध का पशु है बकरी। बुध का ग्रंथ दुर्गा पाठ एवं गायत्री मंत्र। बुध का वृक्ष है चौड़े पत्तों वाले वृक्ष, जितने भी हैं वो बुध के वृक्ष में के अंतर्गत आते हैं। बुध के दिन 68 दिन, 68 दिन। बुध का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः। बुध का तांत्रिक मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। जब हम बुध के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसमें संख्या का विधान है, पर्टिकुलर संख्या ली जाती है। बुध की जप संख्या 9000 है, 9000 बुध की जप संख्या है, और कलयुग में 4 गुना जप संख्या का विधान है। इसका मतलब ये हो गया कि जप संख्या 9 × 4 इज इक्वल टू 36,000 जप होने चाहिए, जिसका दशांश 10% हवन 3600, मार्जन 360 और तर्पण 36। ये जब हम चारों की प्रक्रिया कर लेते हैं तो हमारे जाप, मंत्रों के जाप फलदायी होते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। शादी से पूर्व प्रेम संबंध में बदनामी हुई हो तो सूर्य को जल चढ़ाएं, बकरी या गाय को पालक खिलाएं। बकरी को अगर पालक खिलाते हैं तो बेस्ट होता है, और अगर उपलब्धता नहीं है बकरी की तो गाय को भी खिलाया जा सकता है। शादी से पूर्व प्रेम संबंध प्रसंग में बदनामी हुई हो, इट मीन्स कि बुध आपका खराब है कुंडली में, तो उसके आगे इफेक्ट्स पॉजिटिव रहें इसके लिए ये दो उपाय आपको करने चाहिए। दांत पंक्तिबद्ध नहीं होते अथवा खराब होते हैं। पहले भी हमने जब बुध की बात करी थी, हमने बुध के एपिसोड की एपिसोड नंबर 8 में जब विस्तृत चर्चा करी थी बुध के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि दांतों का सीधा सा संबंध बुध से होता है, ऊपर के दांत और नीचे के दांत। ऊपर के दांत खराब होते हैं तो बुध की खराब स्थिति होती है, और नीचे के दांत अगर खराब हो जाते हैं तो या पंक्तिबद्ध नहीं होते या अच्छी पोजिशन में नहीं होते, तो इट मीन्स कि बुध बहुत ज़्यादा खराब है। तो अगर ऐसा है तो पेड़ पौधों की सेवा करें नियमित रूप से, और बुध के मंत्रों का नियमित रूप से जाप किया जाए। किसी भी प्रकार का वाणी दोष अगर है, टंग रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जिभ्या से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो बकरी या गाय को नियमित रूप से पालक खिलाएं और बुध के मंत्रों का नियमित रूप से जप करें। सेम उपाय है दोनों ही कंडीशन के लिए। घर में बंद घड़ी पड़ी रहती है तो घर के उत्तर दिशा की दीवार पर जल तत्व का फोटो लगाएं। इट मीन्स कि वास्तु डिसबैलेंस हो रही है, तो इस कंडीशन में घर की उत्तर दिशा की जो फेसिंग है या डायरेक्शन है, उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन है, वह कहीं ना कहीं वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव वर्क नहीं कर रही है, तो इसमें दीवार पे अगर जल तत्व का फोटो अगर लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगी वास्तु। और उसके बाद कोशिश करें कि घर में बंद घड़ी ना हो, अगर हो तो चलती हो, नहीं तो बंद तो नहीं हो कम से कम।
क्योंकि ये घर की वास्तु को खराब करती है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी की स्थिति क्रिएट करती है, कहीं ना कहीं स्लो करती है, जो एनर्जी होता है या वेटेलिटी होती है व्यक्ति की, उसको डाउन करने का प्रयास करती है। घर में रस्सी नुमा चीजों के गोले पड़े हों तो इट मींस कि बुध नेगेटिव वर्क कर रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें हैं वो उलझी हुई हैं, डिसीजन नहीं हो रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जो भी हम फिजिकली लेबर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, चीज़ें पेंडेंसी में जा रही है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो रस्सी नुमा चीज़ों के गोले अगर घर में पड़े हैं तो, जिसमें केबल हो सकती है, रस्सी हो सकती है और ऊन हो सकती है, इस तरह की कोई आइटम पड़ा हो सकता है या बहुत सारे आइटम पड़े हो सकते हैं। पुल पर से नीचे नदी या नहर में, नदी या नहर में दाल फेंकें। इसमें ध्यान ये रखना है कि नदी के या नहर के किनारे से नहीं फेंकना है, ऊपर से फेंकना है। हरी साबुत मूंग मंदिर में दान करें, ये दो उपाय आप करेंगे। घर के पास हैंडपंप या पानी का अन्य खराब स्रोत हो तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर हैंडपंप या खराब स्रोत है जल का, तो आपके जो रिलेशंस हैं आउटसोर्सिंग से, जैसे कि आपके परिवार के अतिरिक्त और लोगों से जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं फेड होते चले जा रहे हैं। चांदी का गोल सिक्का अपने पास रखें, इसके उपाय के रूप में ये प्रयोग करना है। माता का स्वास्थ्य अगर खराब रहता है तो उस घर की उत्तर दिशा से टूटे हुए गमले हटाएं। इट मीन्स कि घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं ना कहीं टूटे गमले रखे होंगे, अगर ऐसा है तो उसको हटा देना चाहिए। दूसरा उपाय आपको करना है कि सूखी झाड़ी और मुरझाए हुए पौधे भी उस क्षेत्र से कम हटा दें। अगर ऐसा करते हैं तो माता जी के स्वास्थ्य में रैंडम रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आपको। घर में माला, ताबीज व धागे इत्यादि पड़े हों, अनयूज्ड पड़े हों, यूज नहीं करता हो कोई, या पहले पहने हों फिर बाद में उतार के रख दिए हैं, अगर ऐसा है तो किसी ब्राह्मण से बुध के जाप और हवन कराएं और फिटकरी से दांतों को साफ रखें। जाप और हवन जब हो जाए कंप्लीट और ये फिटकरी वाला उपाय, फिटकरी से दांतों को साफ करने वाला उपाय हो जाए, तो फिर इनको घर के बाहर कर दीजिए, किसी नहर या नदी में बहा दीजिए ताबीज़ या धागों को। अथवा दूसरा काम ये कर सकते हैं कि किसी पेड़ की जड़ में भी दे रख सकते हैं, स्पेशली अगर पीपल के पेड़ की जड़ में रख देंगे तो ज़्यादा उचित होगा। बहन, बुआ, बेटी यदि सुखी नहीं रहती है तो बकरी का दान करना चाहिए। यदि बकरी का दान करते हैं तो इससे बहन, बुआ, बेटी कि जो फाइनेंशियली या भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। घर में मंदिर का स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी अस्थिरता बनी हुई है, स्टेबिलिटी नहीं बन रही है, आपका दिमाग भी परिवर्तनशील ज़्यादा है, विचारों में स्थिरता नहीं है, डिसीजंस में स्थिरता नहीं है। अगर है ऐसा है तो गले में बुध यंत्र धारण करें। विभिन्न प्रकार की माला और ताबीज पहनते हैं, यदि आपको एक आदत है, ये शौक है ताबीज और माला पहनने का, तो ये अच्छा शौक नहीं है। अगर ऐसा है तो इसके साथ एक सिम्टम्स और आता है तो कहीं ना कहीं आवारा साधु का साथ भी जरूर होगा। आवारा साधु का मतलब जो भ्रमणशील साधु हो, और जो व्यक्ति या साधु रूपी व्यक्ति वो आपका कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग कर रहा होगा, आपके साथ विश्वासघात कर रहा होगा या आपको बरगला रहा होगा। अगर ऐसा है तो बकरी गाय को प्रतिदिन पालक दें, बकरी को दें, अगर बकरी नहीं अवेलेबल होती है तो गाय को दें, प्रतिदिन पालक खिलाना चाहिए। इससे जीवन में जो, जैसे अभी हमने बात करी थी ताबीजों के संबंध में, जीवन में थोड़ी सी अस्थिरता जो है वो स्थायित्व बनता है।
घर में संगीत का सामान यदि टूटा पड़ा हो तो इसका मतलब बुध ज्यादा खराब जा रहा है। टूटी केतली घर में पड़ी हो तो बुध ज्यादा खराब जा रहा है। दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं कि ये बुध को रिप्रेजेंट करते हैं कि बुध से संबंधित कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, स्पेशली संबंधों को लेके, स्पेशली आपकी भौतिक सुखों को लेके, स्पेशली आपके रिलैक्स को लेके। कहीं ना कहीं चीज़ें अनस्टेबल हैं। लाल मसूर प्रतिदिन बहते जल में प्रवाहित करनी चाहिए। यदि पिता दुखी रहते हैं किसी भी कारण से तो सूर्य को जल दें, काली उड़द भिखारी को दान करें। दुखी का जो डेफिनेशन है वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। कहीं या तो मेंटली रिलैक्स उनको नहीं मिल पा रहा है, या फिर किसी न किसी बीमारी के कारण या शारीरिक कष्ट के कारण वो परेशान है। तो दोनों ही अगर कंडीशन होती है तो ये दोनों उपाय किए करेंगे तो चीज़ें सुधरेंगी, सुधार आएगा। घर में रस्सी नुमा चीज़ें बंद बक्से में पड़ी हों, जैसे कि अभी जस्ट अभी बातें करी थी हमने, रस्सी हो, ऊन के गोले हों, या फिर केबल्स हों, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर पड़ी होती है घर में रस्सी न हो लेकिन बंद बक्से में पड़ी हो। बुध के पहले तो तांत्रिक मंत्रों का जप करना चाहिए। तांत्रिक मंत्र जल्दी इफेक्टिव होंगे और प्रॉपर पॉजिटिव वर्क करेंगे। जो बंधन हैं जीवन में, जो चीज़ें बंधी हुई हैं, खुल नहीं पा रहे हैं, या फिर आउटपुट्स आ नहीं पा रहे हैं, या चीज़ें मैच्योर्ड नहीं हो पा रही हैं, वो बुध किसी भी ग्रह का तांत्रिक मंत्र जल्दी उनको ओपन कर देता है, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जल्दी इफेक्टिव हो जाता है। तो बुध के तांत्रिक मंत्रों का जप करें और बकरी को पालक खिलाएं, ये दो उपाय करें। बार बार थूकने की आदत है, इट मीन्स कि आप अपने बुध को अपने आप खराब कर रहे हैं। इस आदत को भी आपको सुधारना चाहिए और इसके साथ ही हरे कपड़े कन्या को दान करने चाहिए। ठीक है, अगर बार बार थूकने की आदत है तो कहीं ना कहीं एक और भी सिम्टम्स आता है कि मन बुद्धि किसी व्यक्ति का साथ होता है, आपके साथ होता है। इट मीन्स कि पड़ोस में भी रह सकता है, इट मीन्स कि आपके सर्कल में भी हो सकता है, और इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी वो इंटरफेयर कर रहा है। हरे कपड़े कन्या को दान कर देने चाहिए। खाने में अक्सर कंकड़ आती हैं, काले कपड़े में काली उड़द भिखारी को दान करें। कंकड़ आती है तो मतलब रुकावटें हैं, इसका मतलब परेशानियां। काले कपड़े काली उड़द भिखारी को दान दें, यदि ये करते हैं तो जीवन में इससे संबंधित जो समस्याएं वो खत्म होती हैं। घर में माला ताबीज व धागे टूटे पड़े हों, पहले हमने बात करी थी माला ताबीज पड़े हों, अब हम बात कर रहे हैं कि माला ताबीज और धागे टूटे हुए पड़े हों। और दूसरा सिम्टम्स है कि घर की सीढ़ियां अक्सर टूट जाती हैं। दोनों ही कंडीशन में गायत्री मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए, जिससे कि इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, देखिए माला धागा सिम्टम्स तो सेम होंगे लेकिन बस ये है कि उसकी जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी। वाणी या नसों से संबंधित समस्या अगर बन रही है तो बुध ज्यादा खराब वर्क कर रहा है। बुध के जाप और हवन कराएं, किसी योग्य पंडित जी से खुद नहीं करना है। अगर ये इस तरह की कंडीशन होती है तो जाप या हवन खुद नहीं करना होता है, किसी योग्य पंडित जी से कराना होता है। यदि घर में रत्तियां पड़ी हों, रत्तियां के मतलब हो गया ये करेंसी जो पुराने जमाने में चलती थी, अगर वो घर में पड़ी हुई है तो पीतल का बर्तन ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए रत्तियां पड़ी है का मतलब ये परंपरागत तरीके से पड़ी है, कोई नई तो आई नहीं है। कहीं आपके जो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर हैं, या फादर या मदर के टाइम की बहुत पुरानी पड़ी होंगी, तो इस तरह की अगर है तो पीतल का बर्तन ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। एक ही बार ये उपाय करना है,
जिससे कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर घर में रत्तियाँ पड़ी हैं तो वो रख सकते हैं, लेकिन बस ये उपाय जरूर कर देना है। इसका सीधा सा मतलब भी क्या होता है, घर में रत्तियाँ पड़ी हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी एक अंधविश्वास की तरफ आपका रुझान अधिक रहता है, ठीक है ना। तो अगर पीतल का बर्तन ब्राह्मण को दान कर देते हैं तो ये चीज़ें अंधविश्वास में कन्वर्ट नहीं होंगी, केवल एक कस्टम्स को फॉलो करना या अपने रीति रिवाज को, अपने संस्कारों को फॉलो करना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अंधविश्वास की तरफ आप नहीं जाएंगे या उसकी तरफ जो आपका आकर्षण है वो ख़त्म होगा। अंधविश्वास की तरफ आपका या आपके परिवार का, घर की छत पर टूटे मटके पड़े हों, जो घड़े हैं, जो मटके हैं, अगर ऊपर छत पे पड़े हुए हैं वो टूटी अवस्था में पड़े हों, तो कांच की बोतल में जौ भरकर अंधेरे कमरे में रख दें। इसके बाद इनकी सफाई करके इनको घर से बाहर फेंक दें, जो टूटे हुए मटके हैं। टूटे हुए मटके भी हो सकते हैं, टूटे हुए गमले भी हो सकते हैं, दोनों एक ही इफेक्ट करते हैं। संभावना टूटे मटके की अधिक होती है, क्योंकि जब टूटे गमले की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राहु को अधिक रिप्रेजेंट करता है, टूटे हुए मटके बुध को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। ये उपाय कर लीजिएगा सरल सा, तो इससे परिवार का तनाव खत्म होगा, परिवार में टेंशन्स जो बनी हुई है वो खत्म होगी। घर के अंदर कोई भी पत्थर खड़ा हुआ गड़ा हो, देखिए पत्थर की हमने एपिसोड नंबर 8 की सीरीज चलाई थी तो अलग अलग बात कर रही थी, अलग अलग कंडीशंस बताई थी। बुध की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं खड़ा हुआ पत्थर अगर गड़ा हो जमीन में, जिसका एक कुछ हिस्सा बाहर और कुछ हिस्सा अंदर हो जमीन के, अगर इस तरह का है तो पत्थर पर प्रतिदिन दूध की कुछ छींटे दें या दूध गिराएं उस पर, कम से कम 43 डेज करें। जब ये 43 डेज कंप्लीट हो जाए और आगे फिर उसको कोशिश करें कि निकलवा दें जमीन में से, निकलवा के बाहर रखवा दें, जिससे कि इसके नेगेटिव बुध के इफेक्ट्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह की अगर कोई स्थिति है भी घर के अंदर कि कोई पत्थर खड़ा हुआ गड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में बीमारियों का आमंत्रण है, आप कहीं ना कहीं बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें भी स्पेशली नसों से संबंधित समस्या अधिक क्रिएट होगी, नसों से संबंधित इंटेस्टाइन की ज़्यादा, पेट से संबंधित इंटेस्टाइन कोई ना कोई जरूर रोगी होगा, ठीक है ना। तो ये हमने बुध की बात करी और बुध के बारे में बताया, और नेक्स्ट जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे गुरु से संबंधित, गुरु के उपायों की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।